इतना गंदा हो सके ना, नहीं मेरा इंटेंशन है। काय विचारते तुम्हाला, सब्सक्राइब करू मी तुम्हाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्री और आप देख रहे हैं द श्री ईट फूड्स। आज हम आए हैं एट नवी मुंबई और यहां चिनाब करके रेस्टोरेंट है, बहुत मशहूर है। सो आई एम गोइंग अलॉन्ग विद माय फ्रेंड्स एंड द फैमिली, डिसाइडेड टू हैव डिनर ओवर हियर। और मुझे लगा एक क्विक वीडियो भी बना लूँ सो दैट आपको भी इस रेस्टोरेंट का आइडिया मिल जाएगा। मेरा चिनाब फूड ब्लॉग करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था, मैं किसी और दिन करने वाला था, सिंस देयर आर मेनी अदर पीपल विद मी टुडे। और मैं खासकर मेरे कमीने दोस्तों के सामने तो बिल्कुल नहीं करना था, बट आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ सिंस आई एम इन वंडरफुल रेस्टोरेंट विद अ कैमरा एंड माइक अलॉन्ग विद मी। तो लेट्स गो अपस्टेयर्स, अभी जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अभी आपका भाई ने तो व्लॉग बनाने का डिसाइड कर ही लिया है। तो यहाँ पर ऊपर आते ही आपको एक पंजाबी फील आएगा, दिस इज अ बिग डोल केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू, और जाते रहो। तो द डाइनिंग अरेंजमेंट इज एट सेकेंड फ्लोर, यहाँ लिफ्ट नहीं है, आपको टू फ्लोर चढ़ना ही पड़ेगा जैसे आपको दिखाया था मैंने। तो यहाँ का एम्बियंस तो बहुत खूबसूरत है, इट्स ओपन, इट्स एयरी, इट्स लाइवली, और यहाँ एक बड़ा टेलीविजन भी है वेयर पीपल कैन वॉच लाइव स्पोर्ट्स एंड एन्जॉय देयर टाइम। एंड दिस इज़ अ किचन जहाँ आपके लिए टेस्टी खाना बनता है, और यहाँ फिलहाल तो गर्मा गर्म मकई की रोटी बन रही है। द किचन इज़ वेरी स्मॉल बट वेरी बिजी, और यहाँ आते ही आपको कुलचे रोटियाँ की खुशबू आएगी। तो इट्स टाइम टू ऑर्डर नाउ, और यहाँ आते ही बहुत ज़ोरों से भूख चालू हो गई। यहाँ वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलेगी, और आपको अल्कोहल भी मिल जाती है। तो सबसे पहले मसाला पापड़, साइज इज़ गुड एंड लॉट्स ऑफ टमेटोज एंड ऑनियंस and their masala powder on top of this. And personally, I don't like pieces of raw mangoes on masala papad. I don't know, many people like it, but to be honest, मुझे उतना मज़ा नहीं आता है। Luckily, इस पर raw mangoes तो नहीं दिख रहा है मुझे। आपको मसाला पापड कैसे अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मस्त एकदम कुरकुरी पापड़ है, डीप फ्राइड, इसे खाते ही मेरा एपिटाइट बढ़ जाता है। ये आ गया अपना टोमेटो शोरबा, दैट इज़ टोमेटो सूप। इस पर मुझे क्रीम उतना नहीं दिख रही है, बट इट्स लिटिल वाटरी, और कंसिस्टेंसी भी बहुत कम लग रही है। टेस्ट इज़ गुड बट इट्स वेरी डिफरेंट कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट। ये कम्स अ मोस्ट अवेटेड लस्सी, और यहाँ का ग्लास का साइज़ देखो, इट्स थिक, इट्स स्वीट, इट्स टेस्टी एंड इट्स वेरी ह्यूज, अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो तो। ये आ गया अपना स्टार्टर्स पनीर केसरी, कम्स लाइक सिंपल पनीर मैरिनेटेड इन योगर्ट, और यहाँ चारकोल अवन पे इसको कुक करते हैं। कैप्सिकम टमाटोस एंड ऑनियन वेजीज भी है इसके साथ। दिस पनीर आई टेल यू ज़बरदस्त है, वेरी बिग क्लम्पी क्रीमी एंड सॉफ्ट पनीर, बहुत सॉफ्ट है, और ये खाने में इतना ज़बरदस्त लग रहा है। मन करता है स्टार्टर्स ही खाता रहूं। लुक एट दिस, दिस इज अ मस्ट ट्राई डिश इफ यू आर अ पनीर लवर। यहाँ पे किसी का बर्थडे भी चल रहा है, और इसी के साथ मेरे दोस्तों को इस पर भी कुछ कमेंट करना है, आप ही सुन लो अभी। बड़ा अच्छा लगा ना, मतलब हैप्पी बर्थडे तो प्ले किया एटलीस्ट। ऐसा वो बड़ा हो रहा है और हम लोग ऐसा दाढ़ी आ रहे फिर भी ऐसा। एक खाली हाई कर मैं एटलीस्ट डालते हो इधर, खाली हाई कर ऐसा। जितना गंदा हो सके ना, नहीं मेरा इंटेंशन है। मैं इसलिए आपको कह रहा था
कि फ्रेंड्स के सामने फूड ब्लॉग करना मतलब इट्स टफ एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू स्पॉइल योर ब्लॉग। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने बहुत लेट डिसीजन लिया रेस्टोरेंट में जाने और हमने प्री बुकिंग भी नहीं किया, दैट टू इट इज़ वीकेंड। तो इनको सारा गुस्सा मेरे ब्लॉग पे निकालना है। अभी रुको जरा, इनका अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ये पता था आपको चिनाब करके फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे? मुझे नहीं पता था, ये मेरा दोस्त है, उसने बोला ये बहुत फेमस है। तो आपका दोस्त को मानना पड़ेगा, मतलब चॉइस को, वो स्पेशल दोस्त रहेगा आपका। बोलते इधर कम से कम दो दिन वाला बुकिंग होता है, उसने तीन दिन वाला बुकिंग किया। तीन साल पहले बुकिंग? तीन दिन पहले। तीन साल पहले। और वेटिंग कितना घंटा? हम लोग ने एक्चुअली बुक करके रखा था, इसके लिए हम लोग को 25 मिनट्स लगा। ओके। नहीं तो फिर कम से कम आपका एलआईसी का आखिरी हफ्ता आएगा ना, इतना साल वेटिंग करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद। क्या कुक का है ये आपका दोस्त है? हाँ। काय विचारता नहीं? नहीं होत नहीं। काय पाहिजे तुम्हाला? जेवण कसं झालं? जेवण चांगलं झालं, मस्त इकडचं जेवण। सबसे अच्छा लगा उसने जो पहिले नॉर्मल पाणी दिया वो, और ठंडा पाणी बहुत अच्छा है इसका। ओ, टेस्टी था ठंडा पाणी? ठंडा पाणी मस्त है, थंड है, ठंडा पाणी थंड है। ठंडा ही नहीं दिया? ज्यादा ठंड है। ठंडा ही दिया? ठंडा पाणी, ठंडा पाणी। काय विचारायचं तुम्हाला? सबस्क्राइब करू मी तुम्हाला? नाही, तुम्हाला हे आवडलं? ये आ गया हमारा मेन कोर्स, पनीर मक्खन दे टमाटर, एंड दिस लुक्स फैबुलस। सो कंसिस्टेंसी लुक्स गुड, एंड जो टेस्ट है इसका ज़बरदस्त। अगेन मस्ट ट्राई डिश। और आ गया अपना वेज दम बिरयानी, बहुत ट्रेडिशनल वे में इसको बनाया हुआ है। इट कम्स इन द क्ले पॉट, और प्रॉपर कुक करने के लिए इसे मैदा के बैटर में सील करते हैं, एंड दिस इज़ अ प्रॉपर वे टू कुक बिरयानी। ऑल बिरयानी लवर्स वुड नो दिस। चेक आउट द स्टीम, मस्त गर्मा गर्म है। लुक एट दिस, इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है इसका टेस्ट अमेजिंग रहेगा। राइस इज प्रॉपरली कुक एंड नॉट एट ऑल स्टिकी, आई कैन सी मेनी वेजिटेबल्स इन दिस। ग्रीन पीस आर सिंपली डोमिनेटिंग दिस बिरयानी। लिटल ऑयली बट इसका टेस्ट लाजवाब है। स्पाइसेस आर मॉडरेटली डोमिनेटिंग बट बिल्कुल भी तीखा नहीं है। सम पीसेस ऑफ पनीर ऑल्सो देयर। मस्ट ट्राई डिश, टू गुड। चलो इट्स टाइम टू लीव नाउ, बहुत खा लिया और रेस्टोरेंट भी ऑलमोस्ट बंद होने आई है। रेस्टोरेंट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड इट्स टू लेट नाउ। और आप देख सकते हैं इसका सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल ढाबा टाइप बना है, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी रिलैक्सिंग। चलो बिल पे करते हैं अभी, एंड दैट विल बी द टाइम टू बिड एडियू।
तो आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मुझे और मेरी छोटी सी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलते है। और ये मेरे दोस्त लोग तो बिल्कुल भी मेरे टीम के हिस्सेदार नहीं है, नहीं तो चैनल मेरा कब का बंद करना पड़ता था। तो चेनाब इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ का खाना इज सिंपली टॉप क्लास एंड मेक श्योर यू बुक योर टेबल्स 3 hours बिफोर यू विजिट, स्पेशली ऑन वीकेंड्स, वरना हमारे ऐसा 30 to 40 minutes वेट करना पड़ेगा आपको नीचे। So make your plan if you are near Navi Mumbai and enjoy the place, enjoy the food. See you in my next video. Till then, keep living, keep eating. Bye.